हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। आज हम लोग बात करने वाले हैं BCCL, CCL, MCL, WCL, SCCL, CMPDIL और कोल इंडिया का सारा सब्सिडरी में पूछा जाने वाला 10 नंबर का सवाल GK GS, जो कि कोल इंडिया रिलेटेड होता है। तो उसमें जो आया हुआ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को निकाले हैं, मतलब इस वीडियो में निचोड़। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, कोई क्वेश्चन आपसे चूक न जाए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माइनिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कैटेगरी में कर दें, ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर वन है, भारत में कोयले का खनन कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर है 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, यानी कि अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा ये चलाया गया था कंपनी, जो कि पहला रानीगंज में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले कोयला खनन कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर है रानीगंज कोलियरी में किया गया था, जो कि रानीगंज कोल फील्ड में आता है। तीसरा क्वेश्चन है, ब्लास्टिंग गैलरी मेथड इंडिया में सबसे पहले कहाँ प्रयोग किया गया था? तो ये BCCL के ईस्ट कतरास कोलियरी में सबसे पहला बार यूज़ किया गया। आपको बता दें कि ब्लास्टिंग गैलरी मेथड अंडरग्राउंड थीक सीम के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर है, इंडिया की फर्स्ट गवर्नमेंट कोल माइनिंग कंपनी कौन सी है? तो वो है SCCL, यानी सिंगरानी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, जो कि सबसे पहले आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर लिया गया था 1956 में। इससे पहले यह कंपनी प्राइवेट सेक्टर में काम करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर फाइव है, NCDC का फॉर्मेशन कब हुआ था, यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का स्थापना कब हुआ था? तो उसका सही आंसर है 1956 में हुआ था स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया में स्लोप स्टेबिलिटी रडार, यानी कि SSR पहली बार प्रयोग में कहाँ लिया गया था। तो पहली बार प्रयोग में WCL का सस्ती माइंस, यानी सस्ती माइंस में लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड कैविंग मेथड इंडिया में पहली बार कहाँ उपयोग किया गया था? तो इंटीग्रेटेड कैविंग मेथड इंडिया में सबसे पहले CCL का किट्टी ए माइंस में लिया गया था। क्वेश्चन नंबर एट है, कोल इंडिया लिमिटेड का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो कोल इंडिया लिमिटेड का हेड क्वार्टर शास्त्री भवन न्यू दिल्ली में है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की, तो प्रेजेंट कोल मिनिस्टर, यानी वर्तमान कोयला मंत्री कौन है? तो मिस्टर प्रहलाद जोशी जी वर्तमान कोयला मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सबसे पुराना ट्रेड यूनियन कौन सा है? तो सबसे पुराना ट्रेड यूनियन एटक है, यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो कि 31 अक्टूबर 1920 में इसका फाउंडेड हुआ था। और इसका जो प्रेसिडेंट थे वो लाला लाजपत राय, जिसको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, वो है इसमें टोटल 2.6 मिलियन मेम्बर। बात करते हैं सबसे ज़्यादा मेंबर वाला ट्रेड यूनियन कौन सा है, तो वो है इंटक, यानी इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसका स्थापना 3 मई 1947 को हुआ था। और इसमें जो टोटल मेंबर है वो 33.3 मिलियन टोटल मेंबर है इस यूनियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ट्रेड यूनियन BMS का पूरा नाम क्या है? तो BMS का पूरा नाम भारतीय मजदूर संघ है, जिसकी स्थापना 23 जुलाई 1955 को हुआ था और उसमें टोटल 11 मिलियन मेंबर हैं। अब बात करते हैं कोल इंडिया लिमिटेड की फॉरेन सब्सिडरी कौन सी है? तो कोल इंडिया लिमिटेड के, आपको पता होगा, एक फॉरेन सब्सिडरी भी है, जिसका नाम है CIAL, यानी कोल इंडियाना अफ्रिकाना लिमिटाडा, जो कि मोजाम्बिक एक कंट्री है, वहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना 1975 को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनलाइजेशन ऑल कोल कब हुआ था, यानी कि कोल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका जो राष्ट्रीयकरण का वर्ष है वो है 1971 में हुआ था इंदिरा गांधी जी के द्वारा, जिसमें कोकिंग कोल का सबसे पहले 1971 में किया गया था और फिर बाकी का जो नॉन कोकिंग कोल है वो 1972 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, BCCL का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, यानी कब माना जाता है? तो BCCL का स्थापना 1972 में किया गया था। अब बात करते हैं CIL की स्थापना के वक्त CIL की सब्सिडरी कितनी थी, यानी कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना के बाद टोटल सब्सिडरी कितना था? तो उस टाइम टोटल सब्सिडरी 5 था, CMPDIL, BCCL, CCL, WCL और ECL, ये 5 कंपनीज थी जब कोल इंडिया लिमिटेड का स्थापना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LCL का फॉर्मेशन कब हुआ, यानी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड का फॉर्मेशन कब हुआ? तो नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड का फॉर्मेशन 1985 में और SCCL का फॉर्मेशन 1986 में। SCCL यानी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, दोनों का फॉर्मेशन एक फाइनेंशियल ईयर में हुआ था, यानी कि 1985 से 1986 के बीच का फाइनेंशियल ईयर में दोनों का स्थापना हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न का खिताब कब मिला? तो मिनी रत्न का खिताब एक फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2006 से 2007 के बीच में मिला था। बात करते हैं कोल इंडिया लिमिटेड को नवरत्न का खिताब कब मिला, तो कोल इंडिया लिमिटेड को नवरत्न का खिताब 2008 से 9 फाइनेंशियल ईयर के बीच मिला। अब बात करते हैं कोल इंडिया लिमिटेड को पहला इंटरनेशनल अवार्ड कब मिला था, तो कोल इंडिया लिमिटेड को पहला इंटरनेशनल अवार्ड 11 अप्रैल 2011 को मिला था। अवार्ड का नाम था सेंचुरी इंटरनेशनल क्वालिटी ईरा अवार्ड यानी कि CIQE। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल अवार्ड पहला बार कोल इंडिया को इसी टाइम मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी नेशनलाइजेशन का फैसला कब आया? तो 20 फरवरी 2018 को डी नेशनलाइजेशन का फैसला आया यानी कि जो राष्ट्रीयकरण था उसको हटाए जाने के खिलाफ। अब बात करते हैं कोल इंडिया लिमिटेड का हेड ऑफिस कहाँ है, तो कोल इंडिया लिमिटेड का हेड ऑफिस आपको पता ही होगा कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, प्रेजेंट चेयरमैन कौन है अभी कोल इंडिया लिमिटेड के? तो मिस्टर प्रहलाद अग्रवाल जी हैं जो IAS ऑफिसर है MP कैडर 1991 बैच के। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में सबसे बड़ी कोलफील्ड एरिया, तो भारत में सबसे बड़ी कोलफील्ड एरिया है झरिया कोलफील्ड। भारत की सबसे पुरानी कोलफील्ड एरिया, तो भारत की सबसे पुरानी कोलफील्ड एरिया है रानीगंज कोलफील्ड। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में सबसे पहले मैकेनाइज्ड लॉन्गवॉल माइनिंग मेथड कब लाया गया था? तो भारत में मुनीडी माइंस जो कि BCCL के अंदर आता है 1978 में पहली बार मैकेनाइज्ड माइनिंग लॉन्गवॉल लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वाबैक माइनिंग प्रोजेक्ट प्रपोजल किस कंपनी द्वारा जारी किया गया है? तो पुटकी बलियाहिर माइंस BCCL ने भारत कोकिल कोल लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया है। ये अभी तक लागू नहीं किया गया है, बस जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईवॉल माइनिंग मेथड सबसे पहले कहाँ अडॉप्ट किया गया था? तो हाईवॉल माइनिंग मेथड सबसे पहले सुहागपुर एरिया शारदा को ओपन कास्ट माइन जो कि SECL में आता है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में 2011 में लागू किया था। ये एक सरफेस माइनिंग मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड में भारत सरकार की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो कोल इंडिया लिमिटेड में टोटल 70.93% हिस्सेदारी कोल इंडिया भारत सरकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर है झारखंड राज्य में होता है क्योंकि झारखंड राज्य को खनिज संपदा से परिपूर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड में वर्तमान में कितने इंप्लॉई हैं? तो 2,72,445 जो कि 1 अप्रैल 2020 में जारी किया गया लिस्ट के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड में टोटल एम्प्लॉय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड देश का कितना प्रतिशत कोयला का उत्पादन करता है? तो इसका आंसर है 80%। BCCL का मुख्यालय कहाँ है? तो कोयला भवन धनबाद में BCCL भारत कोकिल कोल लिमिटेड का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड की सबसे पुरानी सब्सिडरी कौन सी है? तो वो BCCL यानी भारत कोकिल कोल लिमिटेड है जो कि झरिया कोलफील्ड के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCL के वर्तमान CMD कौन है? तो वो है PM प्रसाद, BCCL भारत कोकिल कोल लिमिटेड के वर्तमान CMD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाकुनी कोल कॉम्प्लेक्स यानी DCC किस कंपनी को लीज में दिया गया है? तो वो SECL यानी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड को 1995 में लीज में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SECL किस राज्य में फैला हुआ यानी कि सिंगरैनी कोलियरी कंपनी लिमिटेड? तो वो तेलंगाना में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक कोयला का रिजर्व किस देश के पास है? सबसे ज़्यादा कोल स्टॉक अमेरिका के पास रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में विश्व में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन कौन सा देश कर रहा है? तो इसका आंसर है चाइना कर रहा है। आपको बता दें कि चाइना में सबसे ज़्यादा लॉन्गवॉल माइनिंग मेथड से काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEC का फुल फॉर्म, तो ये है नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड जो कि कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है, बट ये अभी तक सब्सिडरी नहीं है कोल इंडिया लिमिटेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के बाद विश्व में दूसरे नंबर पर किस देश के पास सबसे अधिक कोयले का रिजर्व है? तो सेकेंड नंबर पर जिस पास कोल का स्टॉक है वो है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा कोयला पाया जाता है? तो वो है कोल ग्रेड बिटुमिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अच्छी क्वालिटी वाला कोयला कौन सा है? तो वो है एंथ्रासाइट, सबसे अच्छी क्वालिटी वाला। कोयला कितने प्रकार का होता है? तो जूलॉजी के अनुसार 4 प्रकार का, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला उत्पादन में भारत कितने नंबर पर है? तो कोयला उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर है। कोल इंडिया लिमिटेड का IPO कब जारी हुआ था यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कब जारी हुआ था? तो ये अक्टूबर 2010 में जारी हुआ था। इस क्वेश्चन को कभी कभी ऐसा भी पूछता है कि कोल इंडिया लिमिटेड शेयर मार्केट में अपना पहली बार शेयर को पब्लिक कब किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IME PME को माइंस रूल 1955 में कब जोड़ा गया? IME का मतलब होता है इंडिपेंडेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, PME मतलब होता है पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन। तो 1978 में 4A करके एक सेक्शन लाया गया जिसमें दोनों को जोड़ा गया।
आज के लिए बस इतना ही, बट आप इस वीडियो का पार्ट टू चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एम करते हैं 200 लाइक, तब तक आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और ट्विटर हैंडल को भी लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टिल देन, जय हिंद।